हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे छोटे बड़े भाई सब मजे में होंगे। मेरा नाम है विजय ठाकुर और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आप लोगों के लिए एक मसल्स गेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसी सीरीज का ये पहला वीडियो है। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम का जो ओवरव्यू है वो पहले ही मैं आपको दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि इस प्रोग्राम से आपको कितने न्यूट्रिशन मिलेंगे, क्या इसके मैक्रो है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में लिंक है, इस वीडियो के आखिरी में भी लिंक लगा दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि बार बार हर वीडियो में एक ही चीज को रिपीट नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो मसल्स गेनिंग प्रोग्राम का ये पहला मील है जो कि हमारा ब्रेकफास्ट रहेगा। अब देखो भाई लोग, हम इंडियन लोगों की कुछ गंदी आदतें होती है कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम चाय बिस्किट पर टूट पड़ते हैं। देखो, चाय बिस्किट आप खा पी सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आपका मसल्स बिल्डिंग का गोल हो तब हमें हर एक फूड को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर आपको सुबह चाय पीने की आदत है, बिस्किट खाने की आदत है, तो कोशिश करें कि उसमें चीनी का कम से कम इस्तेमाल करें। मैदे वाले बिस्कुट की जगह आटे वाले बिस्कुट को आप खा सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत फाइबर और प्रोटीन भी मिलेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है अगर आप बॉडी बनाने के लिए सीरियस हो। तो ये जो हमारा मील नंबर वन होने वाला है, अगर आप सुबह के समय में जिम जाते हो तो ये आपका प्री वर्कआउट मील होगा, जाहिर सी बात है। और अगर आपका ये प्री वर्कआउट मील है तो ये मील आपको वर्कआउट करने से एक घंटे पहले लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग, जिससे कि ये आपको पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए और आप इसका पूरा फायदा उठा पाए। और अगर आप शाम के समय में जिम जाते हो तो ये मील आपका ब्रेकफास्ट रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आधा कप काला चना लेना है, देसी चना, जो पुराने पहलवान लोग खाया करते थे। और मैं आपको बता दूं कि आज भी जो लड़के देसी पहलवानी करते हैं उनकी ये फेवरेट डाइट है, हम सबके घरों में होती है। इसको अच्छी तरह से धोकर रात भर पानी में भिगोकर रखना है और सुबह प्रेशर कुकर में डालकर एक सीटी आपको लगा लेना है, चना आपका तैयार हो जाएगा। अभी इसको एक साइड में रखो। अब आपको क्या करना है कि दो हॉल एग लेना है, मतलब पीला वाला भाग आपको फेंकना नहीं है। इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड करके ऑमलेट या भुर्जी तैयार कर सकते हैं। तीसरी चीज आपको लेना, दो गेहूं की रोटी, न तो बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए न बहुत ज्यादा मोटी, मीडियम साइज की रोटी आपको लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास हो गए आधा कप उबले हुए चने, दो अंडे की भुर्जी तैयार है, दो गेहूं की रोटी आपने ले ली, चने में आप हल्का सा नमक और आधा नींबू निचोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं डालना है, नहीं तो डाइट के मैक्रो खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला मील यानी ब्रेकफास्ट तैयार है। इस मील से आपको 440 कैलोरी, 59 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 25 ग्राम प्रोटीन और 13 ग्राम फैट मिलता है। अब दोस्तों, मान लिया जाए कि आप इस डाइट को नहीं लेना चाहते हैं, कोई अंडा नहीं खाता है, किसी को चना पसंद नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे। तो दोस्तों, आप चिंता ना करें, क्योंकि ये गेनिंग प्रोग्राम इतना एडवांस है कि इसमें हर चीज का अल्टरनेटिव है, यानी हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। अब दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी डाइट बताता हूँ, इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि जैसे आप पहली वाली डाइट को खाते खाते बोर हो गए तो आपके पास एक और दूसरा ऑप्शन होगा, तो आप तुरंत डाइट को चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस डाइट में सबसे पहले आपको एक कप किडनी बीन्स लेना है, यानी लाल वाला राजमा हम सबके घर में होता है। इसको अच्छी तरह से धोकर रात भर पानी में भिगोकर रखना है, सुबह कुकर में इसको आप उबाल सकते हैं। दूसरी चीज आपको लेना है आधा कप ब्राउन राइस, अगर ब्राउन राइस नहीं है तो व्हाइट राइस ले सकते हैं, तो हल्का सा मैक्रो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इतना चलता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको दो कप उबला हुआ पालक लेना है। और ये जो आप डाइट तैयार करेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच ऑयल का इस्तेमाल करना है, यानी घरों में जो छोटा चम्मच होता है उसका आधा चम्मच आपको ऑयल का इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो भाई लोग, इस डाइट से आपको 435 कैलोरी, 74.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 27.5 ग्राम प्रोटीन, 5.1 ग्राम फैट मिलता है। तो दोस्तों, गेनिंग प्रोग्राम का ये था पहला मील। अगला मील आपको 18 मई शाम को 6 से 6:30 बजे के बीच में देखने को मिलेगा। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। और इसी तरह के यूजफुल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।